हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ टीकाकरण के बारे में, जो वैक्सीनेशंस बच्चों को लगते हैं उसके बारे में बात करने मैंने इस वीडियो को बनाई, खासकर इस क्राइसिस के टाइम में जब लॉकडाउन हुआ था एंड अब जाके लॉकडाउन के पीरियड के दौरान कुछ 3 महीने हो गए थे। अगर उस टाइम के दौरान आपके बच्चे का वैक्सीनेशन पेंडिंग था तो उस वैक्सीनेशंस को ज़रूर लगवा दीजिएगा। पता नहीं अभी आगे क्या होने वाला है, कुछ दिनों में फिर से लॉकडाउन हो या ना हो। अब तो चालू हो गया है हर जगह में, हॉस्पिटल्स तो उनका सर्विसेज चालू है, पीडियाट्रिशियंस भी अवेलेबल है, तो वैक्सीनेशंस जो भी लगना था बच्चों को वो लगवा दीजिएगा तुरंत। इमीडिएटली आपके हॉस्पिटल्स को पहले कांटेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ भी आप टीकाकरण कराते थे आपके बच्चों को पूछ लीजिएगा कि डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी टाइम क्या है एंड अलॉट कर लीजिएगा, एक अपॉइंटमेंट लेके रख लीजिएगा। ओके, तो उसी टाइम पे आपको हॉस्पिटल जाना है, वैक्सीनेट कराना है और इमीडिएटली लौट जाना है घर को। यहाँ वहाँ मत जाइएगा, कोई शॉपिंग वॉपिंग ग्रॉसरीज लेने भी मत जाइएगा आपके बच्चों के साथ, बहुत छोटा है बच्चा। इस वीडियो के थ्रू मैं इतना ही आपको मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप अगर अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवाए थे, जो आपने पिछले 3 महीने से वो पेंडिंग रखा है उसे क्लियर करा दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, अगर आपने 3 महीने इसके पहले का वैक्सीनेशन ये सोच रहे हैं कि पेंडिंग रह गया है और छोड़ो उसे, नेक्स्ट वैक्सीनेशन जो है वो लगवा देंगे और कंटिन्यूटी रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जो भी वैक्सीनेशन का ट्रैकर होता है, बच्चों का एक बुकलेट होता है ना, जो भी वैक्सीनेशंस वहाँ पे मेंशन किए रहते हैं ये वैक्सीनेशन इस महीने में लगना है, वो कंटिन्यूटी रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस महीने नहीं लगवाए थे चलो दूसरा लगवाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। वैक्सीनेशंस का ध्यान रखिएगा, वैक्सीनेशंस का कंटिन्यूटी रहना चाहिए। वैक्सीनेशंस जो है बच्चों को लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। वैक्सीनेशंस लगवाने का रीज़न जो होता है वो क्योंकि जो अब चल रहा है कोविड-19 का ये महामारी, वैसे ही ये जो दूसरे बीमारियां हैं लाइक चिकन पॉक्स हो गया, टाइफॉइड का हो गया, ऐसा एनीमिया का हो गया, दूसरी बीमारियाँ भी आगे फ्यूचर में बच्चों तक ना पहुँचे, बच्चों को ना लगे, इसकी रीज़न के वजह से बच्चों को वैक्सीनेशंस दिया जाता है। हर स्पेसिफिकली उस उम्र का या उस महीने का इंजेक्शंस जो भी लगवाना होता है उसी टाइम में लगवाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सिचुएशन में अगर आपका वैक्सीनेशंस छूट गया है कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो टाइम है अब तो पूरा सर्विसेज हॉस्पिटल्स में चालू हो गया है, पीडियाट्रिशियंस भी अवेलेबल है, तो ज़रूर डॉक्टर से बात कर लीजिएगा, एक पर्टिकुलर टाइमिंग अलॉट कर लीजिएगा, एज एन अपॉइंटमेंट लेके तैयारी करके रख लीजिएगा, जिस दिन जिस टाइम में जाना है उस टाइम में ही जाके वैक्सीनेट करा लीजिएगा आपके बच्चों को। बाहर निकलते टाइम जो भी आपको गाइडलाइंस फॉलो करना है प्लीज़ फॉलो दोस, ऐसा कोई भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए भूल कर भी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अलग से आरोग्य सेतु का ऐप बनाया है आपके लिए, खासकर आपको बचाने के लिए, कोई भी ऐसा संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास भी ना आए, तो वो भी ऐप डाउनलोड कर लेके ही बाहर जाएगा। ये मेरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सजेशन है आपके लिए, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके बाहर निकलिएगा, इसी में भलाई है आपके लिए और आपके फैमिली, खासकर आपके बच्चे के लिए। ओके, तो जो भी वैक्सीनेट कराना है वैक्सीनेट कर लीजिएगा तुरंत, घर लौटाइएगा और जो भी गाइडलाइंस घर में आके पहुंचने के बाद जो करना है वो भी कर लीजिएगा। जैसे कपड़े को आपने जो भी पहने थे कपड़े को आपने धोने के लिए डाल दिए, बच्चे को एक साफ़ सुथरा प्लेस में लेटा दिए, या बच्चे का जो भी थिंग्स है उसको अच्छे से सैनिटाइज करके रखे हैं, और जो भी बाहर से मेडिसिंस लाए थे उसे भी सैनिटाइज कर दिए हैं, एंड खासकर आपके मोबाइल जो बार बार आप या वहाँ छीते हो लेकिन मोबाइल को
छीते ही है, तो उसे भी सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बच्चे को छीने के टाइम में भी सैनिटाइज कर लीजिएगा। इन सभी गाइडलाइंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी वो अच्छा है। बच्चों का खासकर ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है बाहर, तो सेफ्टी बरकरार रखिएगा, बहुत ही सेफ्टी बरतनी पड़ती है बाहर जाने। मतलब एवरी सर्विसेज हैव बीन स्टार्टेड, पीडियाट्रिशियंस भी अवेलेबल है हॉस्पिटल में, तो इस टाइम को आप मिस ना करें। आपके बच्चों को जो भी वैक्सीनेट पेंडिंग रह गया हो वो वैक्सीनेशन पूरा कर लीजिएगा। तो होप आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा, या आपको जो भी वैक्सीनेशन के बारे में आप भूल चुके होंगे वो याद आया होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चों को कोई भी वैक्सीनेशंस मिस नहीं करेंगे और तुरंत जाके वैक्सीनेट करा लेंगे आपके बच्चों को। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को भी ज़रूर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सभी को मिलूंगी विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।